मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है। सबसे ज्यादा मामले सीतामऊ क्षेत्र से सामने आ रहे हैं। पिछले 48 घंटों में डेंगू के 20 से ज्यादा मरीज मिले हैं। जिले में अब तक डेंगू के 139 मरीज मिल चुके हैं। पिछले 12 दिनों में डेंगू के 60 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार सर्वे कर रही है और डेंगू के लार्वा को नष्ट किया जा रहा है। साथ ही लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वे डेंगू से बचने के लिए सावधानियां बरतें। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, उनके विधायक पुत्र आकाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला की वजह से उज्जैन महाकाल मंदिर में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी के तीनों नेता शुक्रवार को सुबह करीब 3 बजे भस्म आरती के पहले महाकाल को जल अर्पित करने पहुंचे। उनके आने से पहले भस्म आरती के मुख्य पुजारी को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। इसके बाद परिसर में जमकर हंगामा हुआ। मुख्य पुजारी को रोकने के कारण भस्म आरती देर से शुरू हुई। मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए मोदी सरकार में 3 मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, डॉक्टर वीरेंद्र खटेक और एसपी सिंह बघेल की यात्रा निकलेगी। तीनों मंत्रियों की यात्राएं 16 से 24 अगस्त तक चलेंगी। विमानन मंत्री सिंधिया की यात्रा देवास, शाजापुर और इंदौर में निकलेगी, जबकि सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल में डॉक्टर वीरेंद्र खटेक और बघेल घूमेंगे। उज्जैन में नागपंचमी पर विश्व प्रसिद्ध नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट गुरुवार रात 12 बजे खोले गए। प्रथम पूजन श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी और मंदिर समिति के प्रशासक नरेंद्र सूर्यवंशी ने किया। श्री नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा के बाद अंदर गर्भगृह में श्री नागचंद्रेश्वर के शिवलिंग के पूजन किए। इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन दर्शन की शुरुआत की गई। कोरोना की वजह से मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित है।